भाइयों बहनों, ये दोगली नीति कब तक चलेगी? क्या जम्मू कश्मीर के सामान्य मानव को वो अधिकार नहीं मिलने चाहिए जो हिंदुस्तान के हर नागरिक को मिलते हैं? मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए भाइयों? जरा पूरी ताकत से बोलो, मिलने चाहिए। भाइयों बहनों, एससी एसटी ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास, हिंदुस्तान में दलितों को जो अधिकार मिलते हैं, आदिवासियों को जो अधिकार मिलते हैं, सामाजिक शैक्षणिक पछात वर्ग के लोगों को अधिकार मिलते हैं, शिक्षा में अधिकार मिलते हैं, नौकरी में अधिकार मिलते हैं, चुनाव के प्रतिनिधित्व के लिए अधिकार मिलते हैं, क्या ये अधिकार जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिलना चाहिए कि नहीं? पूरी ताकत से बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्यों रोका जा रहा है? भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में करप्शन की चर्चा चल रही है, सारा देश करप्शन के सामने आक्रोश व्यक्त कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भरपूर करप्शन है कि नहीं? जरा पूरी ताकत से बताओ ना भैया, क्या जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार है? जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार है, सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, राजनेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भाइयों बहनों, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आप मुझे बताइए, करप्शन प्रिवेंशन के लिए का कानून जम्मू कश्मीर को लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं लागू किया जा रहा, क्यों? वे अपने आप न जवाबदेह बनना चाहते हैं, न वो न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, न कोई अकाउंटेबिलिटी।